मेरे लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने राइट्स ऑफ वाइफ के बारे में डिस्कस किया था, उस वीडियो में मुझे भर भर के मैसेजेस मिले हैं ये कहते हुए कि मैम आप सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स की राइट के बारे में बात कर रही हैं, आखिर हम मेल एंड हस्बैंड्स की राइट का क्या? तो अगर लॉ इन दोनों में डिस्टिंक्शन नहीं करता है तो आखिर हम कौन होते हैं डिस्टिंक्शन करने वाले? तो फाइनली आज इस वीडियो में मैं 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ एवरी इंडियन हस्बैंड के बारे में डिस्कस करूंगी। तो अगर आप एक हस्बैंड हैं या फिर हस्बैंड बनने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ एवरी इंडियन हस्बैंड इज राइट टू फाइल अ डिवोर्स केस विद और विदाउट वाइफ्स कंसेंट। जिस तरीके से एक वाइफ अपने हस्बैंड के कंसेंट के बिना भी एक डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है, ठीक उसी तरह एक हस्बैंड भी अपनी वाइफ के कंसेंट के बिना डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं एंड उसका ग्राउंड भी सिमिलर होगा वाइफ के ग्राउंड की तरह। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन फाइल अ डिवोर्स पिटीशन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट्री, चीटिंग, mental disorder, cruelty, conversion, presumption of death, etc. Second, plea of joint custody of children. अगर divorce के बाद बच्चे की कस्टडी की बात आती है तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि इंडिया में मदर्स को कस्टडी बहुत आसानी से मिल जाती है, बट अगर आप एक हस्बैंड हैं और आपको भी अपने बच्चे की कस्टडी चाहिए, then you can file for a joint custody with your wife. Court will go through all your documents and your economic condition and उसके basis पर आपको आपकी wife के साथ बच्चे की joint custody आसानी से मिल सकती है. Third, right to claim alimony or maintenance. हिंदू लॉ के अंडर एक हिंदू हस्बैंड के पास ये राइट होता है कि डिवोर्स के बाद वो भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। बस इसके लिए उसे कोर्ट में ये प्रूफ करना होगा कि ही इज नॉट केपेबल ऑफ अर्निंग, बी इट मेंटली और फिजिकली, एंड अगर उसकी वाइफ इज मच मोर केपेबल ऑफ अर्निंग देन ही कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज वाइफ। फोर्थ, राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट फॉल्स एविडेंस। अगर आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ कुछ फॉल्स एविडेंस इकट्ठे करके आप पर कुछ इल्जाम लगाया है, देन यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हर अंडर सेक्शन 191 ऑफ आईपीसी। फिफ्थ, राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट अ फॉल्स केस ऑफ क्रुएलिटी। सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी जो कि क्रुएलिटी से डील करता है, इस केस को हमने देखा है कि इंडिया में औरतें या वाइफ बहुत ही गलत तरीके से अपने हस्बैंड को फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तो अगर आप एक हस्बैंड हैं और आपकी वाइफ ने भी आपके या आपके परिवार वालों के खिलाफ अंडर सेक्शन 498A एक झूठा क्रुएलिटी का केस फाइल किया है, देन यू कैन फाइल अ काउंटर केस अगेंस्ट योर वाइफ अंडर सेक्शन 227 ऑफ सीआरपीसी। सिक्स्थ, You can also file a case of mental harassment against your wife under section 498 of IPC. हमेशा याद रखिए, mental harassment सिर्फ एक husband अपनी wife पर नहीं, बल्कि एक wife भी अपने husband पर कर सकती है. And seventh and most important right is डैमेज रिकवरी अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। अगर आपकी वाइफ जो कि आपका घर छोड़कर जा चुकी है उसके बाद आपके घर पर आकर तमाशा क्रिएट करती है, चीखती है, चिल्लाती है एंड झूठा केस फाइल करती है एंड ये कहती है कि आपने एंड आपके परिवार वालों ने उसके ऊपर टॉर्चर किया है, बी इट मेंटल या फिजिकल टॉर्चर, तो ये आपके खिलाफ एक डैमेज रिकवरी का केस बनता है। आप सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी के अंडर एक डैमेज रिकवरी केस फाइल कर सकते हैं। Always remember, law ने अगर wives को certain rights दी है, then husbands को भी equal number of rights मिली हैं। I hope आपको ये video पसंद आया होगा and मेरे male subscribers do comment कि आपको ये सारे rights कैसे लगे।